राम राम। देख रखते हैं दोस्तों, पंडित जी का घोड़ा, हर्षवर्धन का बछेरा। वापस हो रही है। नमस्ते नमस्ते। आया जी मेसी जी, उसका बेटा तूफान का, उसी के लिए थोड़ी सी मेहनत करके यहाँ तक लाया हूँ। एक्चुअल में ब्रीडर घोड़ा है ना, उसके दादा को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है बनावट में। ये अर्ष का सुंदर बच्चा, पंडित जी का घोड़ा मेसी। देख सकते हैं इसका कारण, देख सकते हैं दोस्तों, और उसकी बनावट देखिए, घोड़े की चमक देखिए, कैसा तैयार किया है आप कमेंट मार के जरूर बताइए। सर मैं तो यही कहना चाहूंगा, घोड़े को 12 महीने बाजरी खिलाओ, जितना इसको पकोड़ोगे, जितना इसको समय दोगे, उतना घोड़ा थकेगा नहीं, रुबाब में रहेगा, बच्चे अच्छे देगा। मेरा तो घोड़ा सर 12 महीने से बाजरी पे ही रहता है, गर्मी में 2 महीने जोर जरूर डालता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी 33 घोड़ियाँ कवर्ड है, इससे 7 घोड़ियों पे रिजल्ट आए। अच्छा, 7 रिजल्ट आ चुके हैं। बहुत सुंदर रिजल्ट आए, पच कल्याण बच्चे आए 3 तो, और 4 बछेरी आई है। अच्छा अच्छा जी। अभी आप बच्चे के कान, आंखें, ये देखो, ये खड़े होने का रुतबा, लेंथ है ना, ये मारवाड़ी कैरेक्टर होते हैं, है ना। और ये बच्चे अपने से ज्यादा बड़े धड़ के, ये जितना बनेगा ना, उससे अच्छे बनावट धड़ में बच्चे देगा। अच्छा, मतलब पीछे से पेडिग्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये दादा को ज्यादा रिफ्लेक्ट मार रहा है, इसके तूफान का ज्यादा इसमें रोल है बच्चों में भी। अदरवाइज आप दूसरे अर्ष के बच्चे देखोगे, बहुत बड़े बनते हैं, बिल्कुल, है ना। काफी लोगों ने मुझे कहा यार आरजी किस भी बड़ा बना है, लेकिन रिजल्ट देख के रामाश्यामा करेंगे, है ना। अच्छा घोड़ा किसे कहा जाता है, जो खूबसूरती, धड़, गति और स्वामी भक्ति अपने साथ लेके चले और हर अस्तबल में अपनी परछाई छोड़े, जिसको कहते हैं अपन रिजल्ट जी। आप देखिए इसके धड़ देखिए आप, अभी तो इसमें 2 टीथ कोल्ट है, 2 दांत। आशु भाई बचपन का प्यार है आपका ये? मैंने तो सर ये बाबा जी की कृपा है, हर्ष की कृपा है, तूफान की कृपा है। कालाबड़ में ब्रीड हुआ, रामसिरी गांव की ढाणी की घोड़ी थी, और ब्राह्मणों के घर में सेवा हो रही है। अरे वाह क्या बात है। तो ये ऊपर वाले ने दिया है हमें। आओ बेटा आ गया। सर मेरे तो जिगर का टुकड़ा है, नेक्स्ट ईयर इसके रिजल्ट जब खड़े होंगे तो लोगों को समझ में आएगा। अभी आप इसकी फेस प्रोफाइल देखो, इस जितना खूबसूरत घोड़ा एक द्रोणा का बच्चा है, अलबख्श बिल्कुल है, वो दूर से पहचान में आएगा। राइट बात। मेसी जब चलता है रोड पे तो दूर से, और लोगों का प्यार इतना है, बच्चा अभी 2 दांत है, देख सकते हैं पहचानते हैं, नहीं तो शो में जीतने के बाद भी घोड़ों के नाम नहीं जानती है दुनिया जी। हमारा तो छोटा सा बच्चा है, जितना है पुष्कर राज का नाम कर रहा है। बस हमारी यही इच्छा थी कि पुष्कर राज में भी एक अच्छा मारवाड़ी घोड़ा तैयार हो जी। वो मैं सपना मेरा ठाकुर जी कर रहे हैं पूरा, आज भी सेवक है स्वामी, तो जब ये गद्दी पे बिठा देगा घोड़िया खड़ी रहेगी उस समय स्वामी की तरह जी। यस भाई, कि आप अभी देखिए आंखें में रुबाब देखिए, 4 किलोमीटर अभी पैदल चल के आया, जिस तरह इसके जो परिवार है ये 80 किलोमीटर चल के आए, 5-5 दिन से पछाड़ी में खड़े, इतना सा भी थकान का वो नहीं है ना। दूसरे घोड़े गाड़ियों में आते हैं, टेंट पे आते एक राउंड काटते थक जाते हैं जी, है ना। ओ बेटा, अरे वाह, आ गया खड़े हो कमीज से। देख सकते हैं दोस्तों, ये फरवरी के बाद में 40th कैटेगरी में आएगा। पुट्ठा देखिए, उसको बोलेंगे इसकी कैटेगरी में आना, और एक स्टेज और कहेंगे जब ये 8 बरस का घोड़ा हो जाएगा। इसको देखने के लिए भीड़ देखिए, सुबह की भी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, ऐसे ही फैन फॉलोइंग मैसी की भी है। बच्चा लग रहा है, अदंत में बच्ची खड़ी, देखो ये पावर। ये बाबा बालकदास जी का ही टेंट है, और ये सब बछेरिया है, घोड़े बच्चे सब बाबा जी के यहाँ के हैं। ये एक मंगल भी है, अरे वाह, मस्ती करता है, अभद्र व्यवहार नहीं करता है ना, आप
पछाड़ी कहीं भी बांधो कैसे भी बांधो बिल्कुल वैसे नहीं करता। अब बेटा आंखों में मोहब्बत रहती है ना, बस यही चीजें है। पहले गुरु बनाए, गुरु की सेवा करें। पहलवान भी दाव कब बताता है, जब उस पहलवान के कोई मालिश करता है तब वो बताता है कि बेटे ताकतवर को भी नीचे कैसे गिराना है जी। तो घोड़ों की दुनिया में जितने बुजुर्ग लोग आप इनको देख रहे हो, ये हमारे मां साहब गुरुदेव बिल्कुल ये पुराने इस फील्ड के कलाकार हैं। वो कहते हैं ना रेत के भाव में सोना ढूंढना, तो हमने तो वो गुण सीखे हैं। इसको भी मैंने ये देख लो कीचड़ से कमल लाया संजो के तैयार कर रहा हूँ। अब देख ले दर्शकों को दिखाइएगा। जब इसको अगर मैं दूसरे नरों के पास में ले जाऊँ ना, ये यूँ करता ही रहेगा। तो घोड़ों को मेडिकल चीजें, इंग्लिश डाइट, ये कुछ भी ना दे आ गया बेटा। ओ बस गुड बॉय। ये बाजरी और दूध, इसके अलावा लोग कहते हैं ना दाना क्या देते हो, दाना क्या देते हो, सुबह भी बाजरी, शाम को भी बाजरी है ना, और आफ्टरनून का दूध पीता और हरा चारा दबा के। बाप जी के और एक घंटा मालिश सुबह, एक घंटा मालिश शाम को। अभी एक बच्चा मैं और तैयार कर रहा हूँ, वो सीताराम जी वाले घोड़े का बच्चा है अभी। वो एक दिन रात को खुल गया था तो दोनों की फाइट हो गई थी। ये आप थोड़े से, फिर जीता कौन? ये अंदर था, वो बाहर था, थोड़े समय में थक गया वो घोड़ा। मैं रात भर धूम करता रहा। छोटा वाला जीता, ये जीता, ये वाला जीता। हालांकि वो एज में इससे बड़ा है। अच्छा, वो भी बहुत सुंदर घोड़ा है। टू कॉपी ऑफ मंगल, चारों पैर काले, मोर की तरह गर्दन, कुंडीदार कान और फोरहेड पे जिस तरह मंगल के स्टार है पट्टा जो है, उसी तरह उसके। कल मैं उसको भी लेके आऊंगा, आप अपने दर्शकों को दिखाइए। वो भी ब्रीडिंग के लिए मैंने 25,000 में स्टार्ट किया, इससे मैं 31,000 रुपए लेता हूँ। और कोई किसान बेचारा जिसको शौक हो कि बाऊजी घोड़ा मिलानो है, तो पापा धन नहीं मांगा। मैं ना कहूँ भैया घोड़ा को हक है, 5 किलो घी लिया घोड़ो खाए, घोड़ी नारी कर ले जाए। समाज की एक वो रहती है, अगर किसानों की ब्रीड सुधारने के लिए आंसू भाई, और 1-1 लाख फीस कर दूं तो फिर वो मजे वाली बात है। वो फिर वो देखता है बिल्ली पकड़ने से, क्या ऊपर वाला देखो, दुनिया आपको दिखावे से जानेगी, भगवान आपको नियत से पहचाने, है ना। तो नियत अपनी साफ हो जाए, विधि राखे राम ताही विधि रही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। तो सबसे बड़े राजा राम ही थे, उनसे बड़ा तो कोई हुआ ही नहीं, है ना। तो बस उनके का लैंड मिला है ना जी, काफी अच्छा। मतलब खुद की तारीफ क्या करें, वो धीरे धीरे दुनिया पहचानती है। अश्व की सेवा करते हैं जी। अभी मैं 12 सालों से घोड़ों में, मैं आज तक आपको बताऊं, ये जो डेरे की जगह होती है, इतनी जगह में घोड़े तैयार करके प्रदर्शन में लाता था। आज मैं 3 साल आने के बाद में इसने मेरे को जागीरी दिला दी जी। क्या दिला दी? आज के टाइम में इतनी महंगी जागीरी लेना, और वो भी घोड़ों से, बहुत बड़ी बात। मतलब एक व्यक्ति अपनी जवानी में 40 साल परिश्रम करना और इनमें 4 साल परिश्रम करना बराबर जी। अभी जैसे मैंने 33 घोड़ियां डाली है जी, ठीक है, 31,000 ले रहा हूँ, 9,80,000 रुपए इसने भेले कर दिए अभी जी, है ना। 1 साल और करूंगा तो 20 लाख रुपए तो 2 साल में दे दिए। तो आज अगर मैं घोड़ा 30 लाख में दे दूं जी, तो मेहनत को बेच देना है जी जी, है ना। लोगों को समझ में आ रहा है वापिस ये दौर सुंदरता के साथ में। देखो मोर कहता है मेरे सुंदर पंख है जी, लेकिन गिद्ध कहता है तेरे सुंदर पंख काम का आएंगे तो उड़ नहीं पाता है जी, बराबर ताकत नहीं है तेरे में जी, हाँ? तो थर्ड ताकत के साथ में सुंदरता हो। मैं हमेशा हाइट को प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन हाइट तब प्रमोट होगी जब उसमें कैरेक्टर हो। जैसे दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूँ, अभी जो लोग 66-68 पे नाचते हैं, मैं आपके व्यूवर्स को कहता हूँ, आप मेरे को कोई भी 68 का घोड़ा 20 साल का बताओ, मैं ये घोड़ा फ्री दे दूंगा। 20 साल का घोड़ा बताओ जिसकी हाइट 68 हो, कॉमर्शियल ब्रीडिंग है, मन मतांग माने नहीं जब तक खता ना खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ लिए पछताए, इसलिए इनके घोड़े 6-6 साल के होते ही स्वर्गवास हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? आज बाबा जी के पास में 27 साल का नर खड़ा है, 32 साल का तूफान था, आज भी किसान के पास में 33 साल की घोड़ियां है ना। क्यों? क्योंकि वो पर्यावरण ने संजो रहे, वो पर्यावरण की रेख में, पर्यावरण से बाहर नहीं गए हैं। कॉमर्शियल ब्रीडिंग वर्ण संकर बोलते हैं हमारे यहाँ, क्रॉस ब्रीडिंग। तो वर्ण संकर घोड़े ना होने चाहिए, वर्ण संकर जैसी ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए जी। बस ये मेरा मोटिव रहता है ताकि इनकी जीवन खराब ना हो। देखो इंसान तो क्या है, ऊंट पे भी भैंस को छोड़ देता है, है ना? लेकिन ऊंट पे ऊंट जाए, भैंस पे पाटा जाए, गाय पे सांड जाए तो अच्छा रहता है।
ये वाली बात जी। चार किलोमीटर चल के आए हैं, चार किलोमीटर चल के वापिस जाएंगे ब्राह्मणों के घर में पुष्कर राज का, ये वहाँ नहीं समझ लो। जी जी जी, अच्छी सोच के मेरी एक सोच थी कि पाराशरों में हम पाराशर ब्राह्मण है साहब जी भाई, वैसे तो हम हिमाचल से हैं लेकिन ब्रह्मा ने जब नगरी बसाई है ना, तब हमें यहाँ बडेरों को हमारे पाराशर ऋषि जी को यहाँ जी है ना, तो मेरा एक सपना था कि पाराशर ब्राह्मण के घर में एक सांड घोड़ा हो जी। मैंने साहब 2015 के बाद से जो आज ये लगन बढ़ी है, ये मीडिया का रोल है, कोई कहता है कि हमने नहीं, आपने संजोया आपके पास में हीरा है लेकिन उसको विश्व विख्यात तो इस छोटे से गेम में जी, बात सही बोली आपने, त्याग है घर परिवार से दूर रहना, रातों को खाने का पता नहीं, फिर जो वीडियो बनाई है उसको रात रात तक बैठ कर एडिट करना, तीन दिन बजे तक एडिट करके पैसे खर्च करना, अच्छे हैंड सेंट रखना, तो ये सर हर चीज बिजनेस में मेंटेन योगदान ही दे रहे हो आप लोगों को, बहुत धन्यवाद। चार आदमी नहीं देखते तो मेरे को इसकी खूबसूरती, खूबसूरत ये तब है जब मुझे कुछ शब्द ना मिले कहने को, अगर खूबसूरती क्या, वाह सुभाई वाह, कहने को अगर शब्द मिल गए कि आप इतने खूबसूरत हो तो फिर खूबसूरती क्या, खूबसूरत झुकके बंद हो गई तो फिर खूबसूरती क्या जी। ये अभी दो दांत है ना, और फरवरी के बाद में 40th कैटेगरी बनाना शुरू करते जी, अभी 33 घोड़ियां कवर हुई है, मेसी की कवरिंग फीस है 31,000, अगर कोई भी इससे घोड़ी मेट कराना चाहता है हम स्टेबल में उसको स्टेबल करते हैं, घोड़ी को खुद ही फोलिकल चेक करते हैं, हमारे डॉक्टर साहब है और कंसीव होके ही आपके पास में पधारेगी जी, है ना। कलर होगी कहेंगे आप मऊआ इसमें अग्रेशन देखो घोड़े का जी, ये मोड ये कान ये आंखें ये लेन, अभी तो 2 साल मजा आ जाएगा जब 6 साल का नर होगा ना जी, इसकी इसका ये रियल ब्रदर खड़ा है फादर साइड से मंगल ये मंगल है नजीक लाओ नजीक लाओ पंडित जी आय देख सकते हैं दोस्तों, मेसी को देखने के लिए जो भीड़ है वो भीड़ को देखिए आप, क्या इसकी फैन फॉलोइंग है। आशु भाई इसको कौन कौन सी घोड़ियों से आपने ब्रीड करवाया है? बहुत अच्छी अच्छी घोड़ियों से दादा, जैसे कौन कौन से कलर की है? काली है, मऊआ है, अबलक है जी, काफी अच्छी अच्छी घोड़ी। और कौन सा कलर डोमिनेंट कर रहा है सर? ये काले बच्चे ज्यादा डोमिनेंट, काले डोमिनेंट कर रहा है, और ये इसके दादा पे रिफ्लेक्शन ज्यादा छोड़ रहा है जी। और बच्ची कैसे पच कल्याण आ रही है? बच्ची पच कल्याण, सुंदर कान जी जी। और बच्चे कितने हैं और बछेरी कितने हैं? 7, 4 बछेरी या 3 बछेरे दोस्तों आप देख सकते हैं जी। देख सकते हैं दोस्तों पंडित जी के घोड़े मेसी की फैन फॉलोइंग देखिए, कितनी भीड़ है टेंट में। 33 घोड़ियां कवर्ड हो गई, 7 पे रिजल्ट है आउट। देखिए इसकी आंख, देखिए इसकी आंख गर्दन आगे एक ही पोज बस होल्ड। देखिए पंडित जी जैसे बोल रहे हैं वैसा ही ये कमन मान रहा है, आप देख सकते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं उसको ग्राउंड पे दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी उनके ये घोड़े के साथ कितनी बॉन्डिंग है आशु जी की। चार किलोमीटर चल के आए वापस 4 किलोमीटर पैदल जाएगा, बट अग्रेशन कम नहीं है। बाजरी दूध आयो आगा जो होल्ड मैसी जी, गुड बॉय गुड बॉय। इधर देखना एक बार, इधर देख सकते हैं दोस्तों आशु भाई का घोड़े के साथ बॉन्डिंग देखिए, जिस तरफ आशु भाई पीछे पीछे घूम रहे हैं वैसे ही उसकी आंख देख सकते हैं, आंख की मूवमेंट देखिए इसकी, कान मिला देखना अभी ये कान मिलाएगा, देखिए अभी ये कान मिलाएगा, देखो कान जोड़ बेटा, देखा कितना स्वामी भक्त घोड़ा है।
ऑनर ने बोला के कान मिला तो मिला दिए। ए मैसी।